उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें यूपी पुलिस और पीएसी में प्राथमिकता देगी। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीरों के लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा यूपी सरकार मुहैया कराएगी। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस पर राजनीति करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में सीएम योगी के बयान के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस के मौके पर उनकी सरकार ने निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में 10% पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। 24 जुलाई को गृह राज्य मंत्री ने इस बात की जानकारी भी दी। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में छूट दी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस ऐलान के बाद से ही एक बार फिर से विपक्षी नेता अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। गृह मंत्रालय के एक्स अकाउंट पर इससे संबंधित एक पोस्ट जारी किया गया। इस पोस्ट में गृह मंत्रालय की ओर से लिखा गया कि 4 साल के अनुभव के बाद बीएसएफ पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए अनुकूल मानता है। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती के दौरान 10% आरक्षण और उम्र में रियायत दी जाएगी। इसका मतलब है बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने भी अग्निवीरों के लिए ऐसा ऐलान किया है। आरपीएफ महानिदेशक ने उत्साह जाहिर करते हुए ऐलान किया था कि वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए एज में छूट और फिजिकल एजेबिलिटी टेस्ट में भी छूट प्रदान करेगी। आरपीएफ महानिदेशक ने घोषणा करते हुए कहा कि पहले बैच के अग्निवीरों के लिए 5 साल तक की एज की छूट रहेगी, वहीं इसके बाद आने वाले बैच को 3 साल की छूट मिलेगी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना के बारे में विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग देश के सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पेंशन देने से बचने के लिए अग्निवीर योजना शुरू की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि 30 साल बाद अग्निवीरों को पेंशन देने की नौबत आएगी, तब तक वो 150 साल के हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए देश सर्वोपरि है, ना कि तन। उनके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।